देखिए आज का दिन बेहद खास है उन तमाम प्रत्याशियों के लिए जो अपना किस्मत आजमाने वाले हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। धनबाद लोकसभा सीट की हम बात कर लेते हैं। आज देखिए बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो नामांकन करने वाले हैं। नामांकन करने से पहले डुल्लू महतो ने मंदिर में पूजा अर्चना की थी और भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। डुल्लू महतो के नामांकन में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई नेता मौजूद रहने वाले हैं और नामांकन के बाद रोड शो का भी आयोजन होगा और इसके बाद गोल्फ ग्राउंड में एक जनसभा भी होगी। तो चलिए आपको सीधे हम लिए चलेंगे धनबाद, जहां से हमारे साथ संवाददाता अरुण बर्णवाल जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए कई दिग्गज इस बार जो है वो शिरकत करने वाले, नॉमिनेशन का आज दिन है, बेहद खास दिन, और डुल्लू महतो लगातार जो है मंदिर में भी जा रहे, पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस बार जीत की कामना कर रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि बाबूलाल वहां पर पहुंच चुके हैं और कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं, नामांकन अब से कितने दिनों में जो है वो संभव हो पा सकता है। अरुण, पहले राज्य के पहले मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनबाद पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। अभी उनकी जस्ट उनकी हेलीकॉप्टर लैंड की है, लेकिन चूंकि भजन लाल शर्मा जी का भी आना है तो अभी यही एयरपोर्ट के अंदर कार्यालय में वो बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद जो सूचना मिल रही है एक और हेलीकॉप्टर से भजन लाल शर्मा भी आने वाले हैं और उनके आने के बाद ही यहाँ से लोग नॉमिनेशन के लिए प्रस्थान करेंगे। चूंकि नॉमिनेशन का टाइम 11 बजे ही लिया हुआ था, लेकिन लगता है थोड़ा विलम्ब जरूर होगा। जी अरुण, और कौन कौन से लोग इस बार जो है शिरकत करने वाले हैं, एक जनसभा भी होनी है नॉमिनेशन के दौरान, नॉमिनेशन के बाद, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? देखिए सुषमिता, यहाँ के बाद ये नॉमिनेशन के उपरांत यहाँ से लोग निकलेंगे, मेमको मोड़ से गोल्फ ग्राउंड के लिए रोड शो करते हुए जाएंगे। गोल्फ ग्राउंड में वहाँ पे इनका आम सभा का आयोजन है, जिसमें आईएसयू के प्रमुख सुदेश महतो के भी शामिल होने की उम्मीद है, अमर बावरी जी के आने की उम्मीद है और बाबूलाल जी और भजन लाल शर्मा तो रहेंगे। इसके अलावा जदयू के भी नेता रहेंगे और लोजपा के भी नेता रहेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो उस आम सभा में रहेंगे और जिसमें प्रमुख रूप से भजन लाल शर्मा जी, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो और अमर बावरी, इनके नाम की सूचना है। जी अरुण, अगर डुल्लू महतो की बात करें तो देखिए बागमारा से 3 बार से ये विधायक रहे, मतलब विधानसभा में तो इन्होंने परचम लहरा लिया, लेकिन लोकसभा के लिए इनका पहला बार ये जो है मंच होने वाला है। और इसके पहले भी जब हमारी संवाददाता भावना ने डुल्लू महतो से बातचीत की थी, एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। हालांकि ये पहली बार उनकी जो होगी जीत का जो वो दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिख रहा है। अरुण, देखिए निश्चित रूप से सुष्मिता, चूंकि ये धनबाद लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट माना जाता रहा है, लेकिन हालांकि कैंडिडेट बदलने के बाद थोड़ी सी शुरुआती दौर में थोड़ी सी कुछ अवरोध जरूर पैदा हुई थी, कुछ परेशानियां जरूर पैदा हुई थी, लेकिन चूंकि बीजेपी कैंडिडेट के पास पर्याप्त समय था, नाम की घोषणा के साथ ही वो लगातार जितने लोगों जो माना जा रहा था कि जो असंतुष्ट हैं उन तक पहुँचे हैं और उनसे बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके आदरपूर्वक जैसा जिस तरह भी हो जैसे भी जो है वो मनाने का काम किए, तो वो जो दूरी जो थी वो धीरे धीरे पैचअप हो गया है, जिसके कारण ये जो सीट है जो सेफ सीट धनबाद का, वो ऐसा फिर से लग रहा है जी, यहाँ फिर से एक बार बीजेपी का ही झंडा लहराने वाला है। जी अरुण, एक अंतिम सवाल आपसे, देखिए अगर विपक्ष की बात करें तो उनकी टक्कर सीधे बेरमो से विधायक है अनूप सिंह, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह से होने वाली है, क्या लगता है इस बार कैंडिडेट किस तरीके से मजबूती से सामने आएगा, या फिर ये जो टक्कर है इन दोनों के बीच जनता किसे अपना आशीर्वाद दे सकती है, क्योंकि आप भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे ये बातचीत कर रहे हैं? अरुण, देखिए निश्चित रूप से सुष्मिता, ये जो चूंकि कांग्रेस ने बेरमो विधायक जो की पत्नी अनुपमा सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है, चूंकि वो राजनीति उनको विरासत में मिली है, लेकिन राजनीति में वो खुद से पहली बार उतरी है, तो ऐसी स्थिति में कुछ कांग्रेसी जो बड़े धनबाद के जो कांग्रेसी है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसी है, उनको पचा नहीं पा रहे हैं और शुरुआती दौर से ही इनका विरोध चल रहा है। कई बड़े नेताओं ने त्यागपत्र भी दिया, लगातार उनके खिलाफ उनके कैंडिडेट बदलने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी होता रहा और यहाँ तक कहा गया जो सुदूर इलाके से जो कांग्रेसी आए थे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के, उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर कैंडिडेट नहीं बदला गया तो वो कांग्रेस छोड़ देंगे और कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ काम करेंगे, तो ये सब थोड़ी परेशानी है। तो उनको इसको लेकर लगातार जो बेरमो विधायक हैं अनूप सिंह और कांग्रेस के जो दूसरे नेता है वो लगातार पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना लोगों को समझा पाएंगे, कितना मना पाएंगे, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए इस खबर पर, अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार साझा करिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक बातचीत हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।